के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, कांग्रेस में प्रदेश महासचिव के पद पर हैं और काफ़ी समय से ये मतलब वर्षों से तपस्या कर रहे हैं और भी यहाँ प्रबुद्ध कांग्रेस जन है। अभी मैं चाहूँगा कि जो अभी कांग्रेस की विजय हुई है, अभी जो बहुमत स्पष्ट मिला है और ऐसा लग रहा था कुछ समय पहले कि एक तरफा चल रही थी बीजेपी सरकार और एकदम नए सरकार है छत्तीसगढ़ में, विशेष बहुमत और सभी जगह बहुमत आने से स्थिति चेंज हुई है। ये क्या दर्शा रही है अपने कि मतलब जो एक तरह से जो जातिवाद का कार्य या परंपरा था वो एकदम से टूटता हुआ नजर आ रहा है और लोग मतलब इसको महसूस मतलब लोगों के दिमाग में कोई जातिवादी नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि ऐसी कम्युनिटी में लोग जीत गए जहाँ बहुसंख्यक हिंदू हैं और मुसलमान वहाँ जीते हैं, इसका मतलब जनता की नज़र में कोई जातिवादी नहीं है और जनता तो एक वोट देती है अलग निष्पक्ष हिसाब से देती है। तो मैं चाहूँगा आप ऐसे महासचिव के नाते अपना उद्बोधन भारत न्यूज़ टीवी के माध्यम से जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति चल रही है और क्या हालात हैं और कैसे इन हालातों का सामना किया जाए, कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी, क्योंकि बहुत बड़ा बहुमत आया है। देखिए, जो पिछले 5 साल से सचिन पायलट जी के नेतृत्व में जो सशक्त विपक्ष की भूमिका जो कांग्रेस ने निभाई है, उसी का नतीजा है कि सब कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को साथ लेकर के जनता के बीच उतरा गया, चाहे किसानों की समस्या हो, चाहे बेरोजगारों की समस्या हो, चाहे कर्मचारियों की समस्या हो, चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे पेट्रोल डीजल सिलेंडर गैस सिलेंडर की महंगाई का मामला हो, हर स्तर के ऊपर कांग्रेस के नेताओं ने सामूहिक रूप से काम किया और जनता की आवाज़ बनकर उभरे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठे वादे किए, जो बड़े बड़े वादे किए जिनका कोई आधार नहीं था, जो इनको पूरा नहीं कर सकते थे, जो बरगला करके 15 लाख रुपए खाते में डलवा देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे देंगे, राजस्थान सरकार ने कहा कि जो है महंगाई पर नियंत्रण कर देंगे, 15 लाख लोगों को नौकरियाँ दे देंगे, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं हुई। इसका नतीजा ये हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को हार लगा कांग्रेस की सरकार। 2019 निश्चित रूप से 2019 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सफाई हो जाएगा, एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी की नहीं आएगी। अभी जो कमियां हुई है, वोटों का डिवीजन हुआ है, वो उस समय नहीं होगा। जनता को कोई संदेश आप देना चाहें, मैसेज देना चाहें? जनता को यही संदेश है कि राजस्थान की जनता को धन्यवाद देते हैं कि कांग्रेस के साथ उन्होंने दिया, कांग्रेस की उन्होंने सरकार बनाई और उनसे उम्मीद करते हैं 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी का सुपना साफ करने पर। संगीता ग्रुप सेक्रेटरी राजस्थान कांग्रेस कमेटी। भारतीय जनता पार्टी का पूरा शासन जो पिछले 5 वर्षों में जनता ने झेला, चाहे युवा वर्ग जब रोजगार मांगने जाता है उसको लाठियां मिलती हैं, युवाओं ने अपना मतदान था वो पहले से निश्चित कर रखा था हमें कहाँ वोट देना है, उस क्षेत्र में जनता जनार्दन थी और जनता ने जो महायज्ञ में जो आहुति मतदान के माध्यम से जो आहुति आहुति को अपने पक्ष में थी, चाहे किसी भी वर्ग की बात कर ले, पिछले 5 साल में हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी से ग्रस्त था, व्यापारी अपने व्यापार को लेकर पीड़ित था, किसान अपने खेती को लेकर पीड़ित था, पिछले 5 वर्षों में 150 किसानों ने आत्महत्या करी लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस पर चुप्पी साधे रही, चाहे हम युवाओं की बात करें कि नौकरियों का जो ढांचा दिया गया वो कहीं पर उनको नौकरी मिलने के बजाय लाठियाँ बरसाई गई, महिलाओं को सम्मान देने की बात की गई लेकिन महिलाओं पर आए दिन अत्याचार और बलात्कार की घटनाएं जो प्रतिदिन हमारे सामने आई, इस तरीके से हम देखें कि कोई भी वर्ग भारतीय जनता पार्टी के शासन से खुश नहीं था और इसकी परिणति इसका परिणाम ये रहा कि हर वर्ग ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान करके कांग्रेस को विजयश्री हासिल।